नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमन अग्रवाल, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन फ्रॉम सूरत। आज बात करने जा रही हूँ डाइट एंड एक्ने के बारे में, मतलब पिंपल, कील, मुहासे, उनका डाइट से क्या रिलेशन है, कौन सी डाइट आपको ज़्यादा फायदा कर सकती है और पिंपल कम कर सकती है, और कौन सी डाइट से पिंपल बढ़ते हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। ऐसे तो पिंपल की टेंडेंसी थोड़ी जेनेटिक होती है, हमारी लाइफस्टाइल पे का उस पर बहुत असर होता है। हमारी त्वचा और बाल लाइफस्टाइल से बहुत तरह से अफेक्ट होते हैं, क्योंकि उसका एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों पे, दोनों का असर उस पर होता है। मतलब हम अंदर से शरीर का कैसे, हमारा शरीर कितना स्वस्थ है, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या हैबिट्स है हमारी, कब सोते हैं, कितना रेस्ट लेते हैं, कितना वर्क करते हैं, स्ट्रेस, इन सब का असर, और बाहर के एनवायरनमेंट का मतलब पॉल्यूशन, स्ट्रेस, सनलाइट, ये सब का भी असर हमारे बालों पे और त्वचा पे होता है। तो पिंपल के केस में डाइट किस तरह अफेक्ट करती है हमारे पिंपल्स को, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि आप हेल्दी डाइट लीजिए, उससे आपका शरीर हेल्दी रहेगा, और जो डाइट आपके शरीर के लिए अच्छी है वही डाइट यूजुअली आपकी त्वचा के लिए भी अच्छी होती है। जिन चीज़ों की आपको एलर्जी है वो अवॉइड करना आपके लिए नेसेसरी है, तो दैट गोज़ विदाउट सेइंग, मतलब अगर आपको कोई चीज़ की एलर्जी है तो चाहे वो कितनी भी फायदेमंद हो, अदरवाइज आप वो नहीं लेंगे। उसके सिवा आपको पिंपल में क्या डाइट लेनी चाहिए, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स किनको हील होने में मदद करते हैं, जब भी कोई कील मुहासे होते हैं तो उसके जो दाग धब्बे पड़ते हैं, जो खड्डे पड़ते हैं, वो ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के वजह से ज़्यादा पड़ते हैं। तो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट डाइट में इंक्लूड करेंगे तो चांसेस है कि हमें कम से कम निशान हो। एंटीऑक्सीडेंट किस में होते हैं, जो कलरफुल फूड है, जैसे कि अनार हो गया, ऑरेंजेस हो गए, मौसमी, नारंगी हो गई, ये अलग अलग कलर के, ब्राइट कलर के, टमाटर हो गया, गाजर हो गई, अलग अलग कलर के जो बेल पेपर्स आते हैं, जो कैप्सिकम हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, ये सब कलरफुल, जो नेचुरली कलरफुल फूड है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसके वजह से पिंपल के दाग धब्बे कम से कम पड़ने के चांसेस है। दूसरा, आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, लिक्विड्स मैक्सिमम लेने हैं। हाइड्रेटेड स्किन, मतलब जब स्किन में, त्वचा में नमी अच्छे से होगी तो चांसेस है कि आपको कम से कम दाग पड़ेंगे और पोर्स आपके बंद नहीं होंगे। इसके सिवा आपको डाइट में जो पिंपल वालों को जिसको ज़्यादा लेनी चाहिए वो है सैलेड्स, बहुत सारे लेने चाहिए। फ्रूट्स के साथ साथ सैलेड्स भी एक टाइम खाने के पहले, आप अगर एक प्लेट सैलेड अच्छे से लेते हैं तो वो बहुत फ़ायदा करता है आपको। खीरा, टमाटर, गाजर, इनमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा भी ज़्यादा है, इसमें एसेंशियल विटामिंस है जो आपकी स्किन की क्वालिटी इम्प्रूव रखते हैं और पिंपल के चांसेस कम करते हैं। जिंक एक ऐसी मिनरल है जो कि पिंपल कम करने में बहुत मददगार होती है। विटामिन ए बीटा कैरोटीन एक ऐसा विटामिन है, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि पिंपल कम करता है। ये किन में होते हैं ज़्यादा, ये ज़्यादा होते हैं येलो चीज़ों में, जैसे पपीता, मैंगो, गाजर, इवन आंवला में इनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, जिससे कि आपको जो पिंपल के दाग धब्बे पड़ने के चांसेस कम से कम रहें। क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, कुछ चीज़ें अवॉइड करना ज़रूरी है। प्रोसेस्ड फूड, मतलब जो भी पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड है वो अवॉइड करिए, जितना हो सके ताज़ा खाना खाइए। दूसरा, आपको डेयरी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। डेयरी मतलब गाय के दूध से बनी हुई चीज़ें या गाय का दूध, वो उसमें कुछ ऐसे हार्मोन लाइक फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से पिंपल बढ़ते हैं। नॉर्मली डेयरी आपके हेल्थ के लिए अच्छी होती है, पर पिंपल वालों को डेयरी अगर फुल्ली ना अवॉइड करना पॉसिबल हो, वेजिटेरियन हो आप, अगर डेयरी आपकी डाइट का एक मेजर हिस्सा है, तो आप एटलीस्ट उसको कट डाउन कर लीजिए। आप कर्ड ज़्यादा ले सकते हैं, दही ज़्यादा ले सकते हैं, दही कंपैरेटिवली सेफ रहता है। इसके सिवा आपको अगर पिंपल होते हैं तो आपको ऑयली फ्राइड चीज़ें और ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा मतलब जिनमें मीठा ज़्यादा हो, जिसमें
तेल घी बहुत ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होने से एक तो त्वचा में एजिंग के साइंस आते हैं, उसमें पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है, वो डल हो जाती है, और दूसरा पिंपल ज़रूर बढ़ते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखने से चांसेस है कि आपको पिंपल या पिंपल से होने वाली जो उसकी रिजल्ट्स रहते हैं, जो स्कार्स मार्क्स रहते हैं, वो कम से कम हो। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। पिंपल से रिलेटेड या कोई भी अन्य त्वचा से रिलेटेड समस्या हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। अगर मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। एक्ने के बारे में एक और वीडियो है हमारा, जिसमें एक्ने में क्या क्या ट्रीटमेंट वर्क करती है, कैसे ख्याल रखते हैं, वो देखने के लिए आप आई कार्ड पर प्रेस कर सकते हैं। टेक केयर।